कल सुबह तुम्हें 5 बजे फांसी दी जाएगी, तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है? हंस क्यों रहा है पागल? क्योंकि मैं उठता ही 9 बजे हूँ। खुशहाल के पास टिकटॉक वाली एप्लीकेशन थी, तो वो टिकटॉक देखी है उसने वीडियो पूरी रात। देखने के बाद सुबह उसने ये सब काम किया है। उसने कहा कि मैं भी वीडियो बनाना चाहता हूँ, मैं भी इनकी तरफ फेमस होना चाहता हूँ। ये बच्चे फेमस होने के लिए इतना सब कर रहे हैं। मोबाइल पर टिकटॉक की दीवानगी एक बार फिर घातक सिद्ध हुई है। कोटा में 12 साल के एक मासूम बच्चे ने टिकटॉक के लिए वीडियो बनाना चाहा और उसी दौरान उसकी मौत हो गई। फांसी का फंदा बनाकर टिकटॉक पर डायलॉग बोल रहे एक युवक को देखकर बच्चे ने भी ठीक उसी तरह का वीडियो बनाना चाहा, तो बच्चे के लोहे की जंजीर से गले में फांसी लग गई और उसकी मौत हो गई। मामला शहर के विज्ञान नगर इलाके का है, जहां कक्षा 6 में पढ़ने वाला 12 वर्षीय कुशाल टिकटॉक पर आए एक वीडियो को देखकर उसी तरह से खुद का वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा था। बच्चे ने अपने कमरे के बाथरूम में जाकर लोहे के जंजीर को गले में पहना और वीडियो बनाने की प्रैक्टिस की। इस दौरान वह जंजीर पर झूल गया, लेकिन वो फंदे से नहीं निकल सका और उसकी चंद ही पलों में जान चली गई। इस घटना से आहत परिजनों और इलाके के लोगों ने इस तरह की मोबाइल एप्लीकेशंस पर पूर्णतः बैन लगाने की मांग की है। कल सुबह तुम्हें 5 बजे फांसी दी जाएगी, तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है? हंस क्यों रहा है पागल? क्योंकि मैं उठता ही 9 बजे हूँ। अभी थोड़े दिन पहले 2 बच्चों ने ना एक डेटिंग करने के चक्कर में गोली चला दी, तो उस वजह से टिकटॉक बैन हो चुका है। लेकिन बहुत सारों के मोबाइल में पुराने ये डाउनलोड हो रहे हैं, तो उस वजह से ये लोग वीडियोस बना रहे हैं, उसकी एक्टिंग कर रहे हैं। वैसे ही सब बच्चों की जान जा रही है, छोटे छोटे बच्चे उत्साहित हो रहे हैं इसको देख के। इसलिए टिकटॉक को एक जेंडर से लेने वाली जो प्ले स्टोर में जो भी ऐप से ही सब हटा ही देना चाहिए। खुशहाल के पास टिकटॉक वाली एप्लीकेशन थी, तो वो टिकटॉक देखी है उसने वीडियो पूरी रात। देखने के बाद सुबह उसने ये सब काम किया है। उसने कहा कि मैं भी वीडियो बनाना चाहता हूँ, मैं भी इनकी तरफ फेमस होना चाहता हूँ। ये बच्चे फेमस होने के लिए इतना सब कर रहे हैं। किसी के घर में एक ही वंश चलाने का हो, और किसी के घर में बच्चा हो वो मर जाए, कितना बुरा लगता है। आज इनके ऊपर क्या बीत रही है, इसलिए हम नहीं चाहते कि दूसरे घर में भी ऐसा हो।